क्वेश्चन नंबर वन है ये प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है तो इसमें कहा गया जी ईच लेटर इन द वर्ड जम्मू कश्मीर का वर्ड है आर ओन सेपरेट कार्ड्स यानी डिफरेंट कार्ड्स बना के ना उसके ऊपर यानी जैसे मैं इधर एक जे लिख दूँ ये लहदा कर दूँ ऐसे और फिर ए लिख दूं, फिर एम लिख दूं, ऐसे लहदा लहदा ना, ठीक है ऐसे डिफरेंट कार्ड हैं जम्मू कश्मीर टू टोटल के सारे ऐसे लहदा पूरे जम्मू कश्मीर लिखा हुआ है डिफरेंट वर्ड्स के ऊपर ना, फेस ऑन द टेबल उनको ऐसे रखा हुआ है टेबल पे ना उल्टा करके उल्टा करके रखा हुआ है ठीक है अब ये कहा जा रहा है इफ यू पिक अ कार्ड एट रैंडम आप उनमें से कोई एक उठाते हैं तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि लेटर विल बी जे एंड के जे और के हो सकता है जे और के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है ठीक है तो ये देखें कैसे करेंगे इसको सबसे पहले इसमें होता है सैंपल यानी हमें दिया क्या गया उसको कहा जाता है एस हमें दिया गया है जे ए डबल एम यू जम्मू के एस एच एम आई आर ये वर्ड दिया गया इसके लेटर्स सैम्पल हैं अगर मैं इसको गिनूं तो वो लिखा जाएगा एन एस यानी इन इनकी गिनती कितनी है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन ट्वेल्व ठीक है एन से इस सैम्पल की गिनती होती है सैंपल क्या होता है जो हमें सवाल यानी जो डाटा दिया गया है यानी जिसमें से हमें कोई चीज़ निकालनी है ठीक है जम्मू कश्मीर के जो वर्ड है उसके लेटर्स सैंपल दिया गया है अब निकालना क्या है इसमें से एक जे और एक के ठीक है तो उसको हमने करना है लेट कि जो इवेंट ए है वो बराबर है लेटर जे लेटर जे के इवेंट को नाम हमने दे दिया ए का अब अगर सैम्पल इसमें देखो तो जे कितनी दफा आया हुआ है एक दफा इसकी तादाद कितनी है उसको लिखने के लिए क्या तरीका होता है एन ऑफ ए कितनी दफ़ा है? एक दफा ठीक है तो इसकी प्रोबेबिलिटी ए की अगर हम निकालें तो उसका फार्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एक इसको रिप्रेजेंट करेगा यहाँ लेटर जे को तो वो होता है प्रॉबलिटी ऑफ ए बराबर एन ऑफ ए यानी ए की तादाद बटा टोटल तादाद उसको हम लिखते हैं एन एस ठीक है एन ऑफ़ ए वन है एन ऑफ़ एस ट्वेल्व है यानी जे आने की प्रॉबिलिटी बारह में से कितनी है एक क्योंकि वो एक ही दफ़ा आया हुआ है ठीक है ऐसे ही उसने जे के साथ के भी कहा हुआ है उसको हम कह लेते हैं बी बी बराबर लेटर के यानी लेटर के की प्रोबेबिलिटी तो अगर इसके अंदर देखो तो के कितनी दफा आया हुआ है एक ही दफ़ा आया हुआ है ये ऐसे एन ऑफ अब इस इवेंट का नाम हमने रखा है बी तो एन ऑफ बी एन सम्राट इसकी गिनती कितने हैं ये एक ही है अब इसके प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं प्रोबेबिलिटी किसकी बी यानी इवेंट का नाम हमने रखा है बी तो कैसे लिखेंगे ऊपर एन यानी बी की तादाद और नीचे टोटल सैंपल की तादाद बी की तादाद कितनी है एक टोटल सैंपल की तादाद कितनी है बारह ठीक हो गया ये हो गया हमारा सवाल लेकिन अगर आप हम अगर हम सवाल पे गौर करें तो हमें कहा गया है लेटर जे एंड के तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड के जो एंड होता है ना उसके लिए हम लिखते हैं इंटरसेक्शन एंड होता है इंटरसेक्शन अब ए जो है वो जे को रिप्रेजेंट कर रहा है और बी जो है वो के को रिप्रेजेंट कर रहा है तो ए इंटरसेक्शन का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी मतलब जे एंड के एंड के लिए क्या होता है इंटरसेक्शन और इसको लिखेंगे कैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ज़रब प्रॉबिलिटी ऑफ बी ठीक है ये असल चीज़ हमने निकालनी थी तो ये निकालने से पहले हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी निकाली ए जो है वो लेटर ए को जे रिप, को रिप्रजेंट कर रहा है और बी लेटर के को रिप्रेजेंट कर रहा है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी है वन ओवर ट्वेल्व और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितनी है वन ओवर ट्वेल्व ठीक है दोनों की प्रोबेबिलिटी कितनी है वन ओवर ट्वेल्व वन ओवर ट्वेल्व वन को ऊपर वन से करेंगे तो वन आएगा बारह को बारह से जरब करेंगे राफ़ में इधर आप ऐसे दो दो चार दो एक दो वन टू द टू वन 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 तो ये आ जाएगा हमारे पास वन डबल फोर या आ गई प्रॉबिलिटी ऑफ ए एंड बी ए एंड बी या जे एंड के क्योंकि ए हमने लेट किया कि वो जे की प्रोबेबिलिटी है और बी हमने लेट किया कि वो के की प्रोबेबिलिटी है जब भी प्रोबेबिलिटी निकालनी हो सबसे पहले सैम्पल देखना होता है वो क्या है और उसकी तादाद गिननी होती है वो बारह लेटर्स बनते हैं जम्मू कश्मीर के फिर जे और के की एंड का वो एंड इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट करता है रिप्रेजेंट करता है उसके लिए पहले ए की और बी की निकाल लेनी है उसके लिए क्या लेट करना है ए जो है वो लेटर जे को प्रेजेंट कर रहे हैं जम्मू कश्मीर में जे देखना है कितनी दफ़ा एक ही दफ़ा है एन ए मतलब एन की यानी ए वाले इवेंट की तादाद कितनी है एक ही है ऐसे बी वाले की भी एक ही है प्रॉबिलिटी का फार्मूला क्या होता है ऊपर उसकी तादाद यानी ए है तो ए की तादाद नीचे हमेशा एन ऐसी आएगा इधर भी देख लें इधर भी देख लें ए की वन है सैंपल बारह है बी की वन है सैंपल बारह है और फिर इंटरेस्ट ए एंड था एंड हो तो मल्टीप्लाई करना होता है और फिर इनको आपने क्या कर देना है मल्टीप्लाई कर देना है ठीक है जी